हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और ये 5 मिनट का चार्ट आप निफ्टी का देख सकते हैं। काफ़ी वोलाटाइल मार्केट आज देखने को मिला, कुछ रोलर कोस्टर जैसी राइड आज हमें देखने को मिल रही थी, ऊपर नीचे काफ़ी वोलाटाइल मार्केट। और ये जो लेवल्स हमने कल मार्क किए थे आप देख सकते हैं, उसके सेकेंड टारगेट के नीचे ओपन हुआ, यहाँ से रिकवर हुआ मार्केट और दोबारा से जब ये इसने ब्रेक डाउन लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होते होते रह गया, यहाँ से ऊपर की तरफ आया और ब्रेक डाउन लेवल जो था उसी के आसपास आके ये क्लोज हुआ। तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था आज के दिन। जैसा कि हमने डेली चार्ट में कल कुछ रेंज को आइडेंटिफाई किया था, मार्केट हो सकता है उस रेंज में हमें ट्रेड करता दिखे आने वाले दिनों में। ये डेली चार्ट है, फ्राइडे का ये कैंडल है, उसका हाई है और नीचे आप देख सकते हैं मल्टीपल सपोर्ट्स है, ये 100 EMA, 50 EMA और ये 20 EMA, तो ये मल्टीपल सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आज फिर से इसने 50 EMA जहाँ पर है वहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ से फिर से एक रिकवरी दिखाया। हालांकि बुलिश कैंडल बना है, ओपन के ऊपर आके क्लोज हुआ है, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल था उसके काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर बेरिश सिचुएशन जो है वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब तक ये लेवल है 17,300 का, इसके ऊपर कंफर्टेबली क्लोज नहीं देता तब तक यहाँ से ये अप ट्रेंड एक्सटेंड नहीं होता हो सकता, क्योंकि कल हमने यहाँ पर देखा था फिबोनाची एक्सटेंशन को ड्रॉ करके, ये लो ये हाई और ये लो पकड़ के, तो 61.8% का लेवल ऑलमोस्ट 17,300 के पास आया। तो यहाँ पर ये हो सकता है इस लेवल को पेनेट्रेट करे 300 को, इसके ऊपर जब ये क्लोज देगा कंफर्टेबली तब यहाँ से ओवरनाइट पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए। और अगर शॉर्ट पोजीशन बनाना है ओवरनाइट, तो जब तक ये 20 DMA को ब्रेक नहीं करता टूवर्ड साउथ की तरफ, यानी 16,900 के आसपास है अभी ये पिंक लाइन 20 DMA, इसके नीचे जब तक ये क्लोज नहीं देता तब तक यहाँ से शॉर्ट करना रिस्की साबित हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज जैसे ये 50 DMA से रिकवर हुआ है, तो हो सकता है अगर ये नीचे आए तो 20 DMA से ये फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिले। मार्केट काफ़ी यहाँ से देखे तो 15,650 के आसपास से इतना ज़बरदस्त ऊपर आया, ऑलमोस्ट 15,600 से लेके अभी ये 17,400 के आसपास है, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स की यहाँ से बढ़त देखने को मिली है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन आना, एक पॉज लेना, हॉल्ट लेना हो सकता है, ट्रैवल कर रहा है तो बीच में एक हॉल्ट तो बनता है, तो हॉल्ट बनने के बाद जो रेंज क्रिएट होता है उसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जब तक नहीं मिलता तब तक वेट करना ज़रूरी होता है। तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सिनारियो है। अभी चलते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। 60 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बेरिश डाइवर्जन है। कैसे? ऊपर प्राइस एक्शन देखे तो हायर हाईज बना रहा था, ये स्विंग हाई के ऊपर नेक्स्ट स्विंग हाई बना है, लेकिन RSI लोअर हाई बना रहा है, प्रीवियस हाई के नीचे नेक्स्ट स्विंग हाई बना है, तो ये बेरिश डाइवर्जन है। उसके मुताबिक हमें यहाँ पर 2 दिन एक फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी कल के लिए अगर हम ब्रेकडाउन लेवल को मार्क करें तो आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है आर्ली चार्ट में 17,170, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट बनेगा हमारा 17,148 और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 17,123, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ हमारा ब्रेकआउट लेवल बनेगा आज का हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल 17,260 और उसके ऊपर फर्स्ट टारगेट बनेगा अराउंड, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 17,281 और सेकेंड टारगेट होगा 17,309, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट अगर यहाँ पर हम देखें तो एक पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ये सेकेंड टॉप, ठीक है। लेकिन अभी जो ये नेक लाइन बन रहा है यहाँ पर, ये हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करे। अगर ये नेक लाइन को कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो हमें यहाँ से ज़बरदस्त फॉल आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि ये पैटर्न बना है और ओवरनाइट कुछ अगर निगेटिव चीज़ें, निगेटिव खबरें आती है
तो कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, और फिर ये ऊपर आके ये जो नेक लाइन है इसको एज अ रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर नीचे आता हुआ देखने को मिले। तो कल के लिए हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा ये जो नेक लाइन बन रहा है यानी अराउंड 35361, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल होगा। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 35246, सेकेंड टारगेट होगा हमारा अराउंड 35111, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ऊपर की तरफ आता है तो काफ़ी सारे मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स है, 100 EMA, 50 EMA, 20 EMA, तो काफ़ी दिक्कत भरा हो सकता है लॉन्ग जाने के लिए कल। लेकिन कल के लिए अगर ब्रेकआउट लेवल देखे तो ये जो कैंडल बना है उसके बाद तीन कैंडल देखिए इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। इस कैंडल के बीच में ही 3 घंटा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ये जो कैंडल है इसका हाई ऑलमोस्ट 35682 के आसपास ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा। फर्स्ट टारगेट 35747 और सेकेंड टारगेट 35806, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो वेट करें, दोबारा से जब इन लेवल्स को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा तभी पोजीशन लेना सही साबित होगा। तो ये लेवल से कल के लिए, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।